आज से अराउंड 2 महीने पहले मैंने एक न्यू चैनल बनाया एंड आई चूज कि मैं उस पर 30 days 30 short वीडियोस चैलेंज करूंगा। नाउ एक न्यू चैनल बनाने के बाद अपने सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, चैनल की नीच सिलेक्ट करना, सेकंड, चैनल ब्रांडिंग करना एंड थर्ड, लॉन्ग कंटेंट और शॉर्ट कंटेंट में से किसी एक को चूज करना। बेसिकली मेरा थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर था, शॉर्ट कंटेंट, बट किसी भी चैनल की नीच सिलेक्ट करते टाइम अपने को मेनली 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना था। फर्स्ट, उस नीच में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप अपनी वीडियो में क्रिएटिविटी दिखा सको एंड वीडियो बनाते टाइम आप बोरिंग फील ना करो। सेकंड, उस नीच की आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपनी ऑडियंस को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सको। थर्ड, उस नीच का मार्केट में ऑडियंस बेस अच्छा होना चाहिए एंड फोर्थ, उस नीच में आपको कभी भी कंटेंट की कमी ना हो एंड लास्ट, फिफ्थ, उस नीच में आप अपना करियर बना सको। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी गेमिंग कैटेगरी को चूज कर रखा था बिकॉज मेरा गेमिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, प्लस मैंने गेमिंग कैटेगरी में काफी टाइम काम किए, उसका नॉलेज भी था मुझे एंड उसमें करियर और ऑडियंस बेस भी काफी अच्छा था और कंटेंट की कमी तो भूल ही जाओ। अब नीच सिलेक्ट करने के बाद चैनल ब्रांडिंग करनी थी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लोगो प्लस बैनर तैयार किया होता, क्या मतलब सस्ती एडिटिंग की हुई थी। नाउ अब सब परफेक्ट था और अब टाइम था अपने चैलेंज को शुरू करने का। डे 1, 24 नवंबर को मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, बट फर्स्ट डे उस वीडियो पर ओनली 21 व्यूज आए थे, लेकिन 4 दिन बाद उस वीडियो को बूस्ट मिला एंड वो डायरेक्ट 8K व्यूज पर पहुंच गई। नाउ अपने चैलेंज का 10th डे था और चैनल पर अब डिसेंट से व्यूज आने लग गए थे, लाइक 500, 600, 2K, 2.4K, 3K तक, बट कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जिन पर व्यूज आए ही नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि जिन वीडियोस पे व्यूज आ भी रहे थे वो भी एक टाइम पे जाके स्टक हो जा रहे थे। अब मैंने अपने माइंड का थोड़ा सा यूज किया। ओ, तेरे पास दिमाग भी है, ये सॉल्व करके बताइए जरा। 4 होता है बुद्धू। और मैंने अपनी वीडियो की कमियों को देखा एंड आई फाउंड 3 mistakes। फर्स्ट, मेरी वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन 70-80% था, बट मुझे उसे 100% करना था। सेकंड, वीडियो को लोग देख तो रहे थे बट लाइक और कमेंट्स ना के बराबर आ रहे थे, सो मेरे को ऑडियंस को लाइक और कमेंट करने के लिए फोर्स करना था। एंड लास्ट, थर्ड, सब्सक्राइबर बेस तैयार करना था बिकॉज इन सभी वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर्स बहुत कम मिले थे। सो मैंने अपनी नेक्स्ट 10 वीडियोस में इन तीनों मिस्टेक्स को सही किया, बट बिकॉज मैंने वीडियो का लेंथ छोटा किया था ताकि ऑडियंस रिटेंशन 100% हो सके, इसका चैनल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया एंड व्यूज आना ही बंद हो गए थे। इसी बीच मैंने अपनी एडिटिंग, वॉइस ओवर सब में इम्प्रूवमेंट करी और चैलेंज के 23वें दिन आई गॉट 5K प्लस व्यूज एंड यहाँ से मिलते हैं मेरे चैनल को एक इनिशियल बूस्ट। और अब मेरे हर शॉट पे 5K, 5.7K, 3K तक व्यूज आ रहे थे। चैलेंज के 29वें दिन वीडियो पर लाइक और कमेंट्स आना भी शुरू हो गए थे। नाउ चैलेंज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था बट व्यूज एंड सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम थे। सो क्या इसका मतलब ये था कि गेमिंग चैनल को 30 डेज में ग्रो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है? ऑब्वियसली रॉन्ग। इस चैनल पर इतने कम व्यूज आने के मेनली 3 रीजन थे। फर्स्ट, बिकॉज मैं इस चैनल पर पार्ट टाइम काम करता था, सो मैंने इस चैनल पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया था। सेकंड, मैंने किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया जिससे व्यूज आ सकते थे। एंड थर्ड, गेमिंग कैटेगरी कंपटीशन। बट हाँ, अगर मैं इस चैनल पर 2-3 महीने और काम करूं देन डेफिनेटली ये चैनल ग्रो हो जाएगा। बाय द वे यार, आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 300 सब्सक्राइबर्स। अपना गोल अभी भी बहुत बड़ा है, सो जल्द से उसको भी अचीव करना है। एंड अगर आपको जानना है कि अपनी फर्स्ट वीडियो को राइट ऑडियंस पे कैसे भेजना है, आओ इस वीडियो में सिखाता हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।